रामगढ़ विधानसभा से भाजपा के युवा नेता जय आहूजा ने खोह गांव की दलित घटना की घोर निंदा करते हुए कहा कि इस प्रकार के कृत्य राजनैतिक संरक्षण के कारण क्षेत्र में आम है। उन्होंने बताया कि रामगढ़ थाना क्षेत्र के खोह गांव में दलित समाज के मेघवाल परिवार के बाबूलाल के घर में 27 तारीख को बच्चे की शादी है। कल रात को बहन बेटियां डीजे पर नाचती हुई बिंदोरी निकाल रही थी, तभी मेव समाज के युवकों ने उत्पात मचाकर बिंदोरी को बाधित किया। इस प्रकार की घटना राजनीतिक संरक्षण के कारण मेवात क्षेत्र में आम है। हालांकि प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्पात मचाने वाले आरोपियों को रात में ही गिरफ्तार कर लिया और हमें अभी भी उम्मीद है कि प्रशासन बिना राजनीतिक दबाव के आगे भी आरोपियों के खिलाफ मजबूत कार्रवाई करेगा। भाजपा के युवा नेता जय आहूजा ने कहा कि मेवात क्षेत्र में दलित उत्पीड़न की एक श्रृंखला जारी है और इसके पीछे निश्चित मेव जनप्रतिनिधि हैं। मेवात क्षेत्र में राजनीतिक संरक्षण के कारण लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा जिससे आगे इस तरह के अपराधों की पुनरावृत्ति ना हो। मैं उन मेव जनप्रतिनिधियों को चेतावनी देना चाहता हूं कि वे राजस्थान की व्यवस्था कानून के तहत चलने दें, अन्यथा मजबूत होकर जवाब भी देना पड़ेगा। कल रात को रामगढ़ थाना इलाके के खो गांव में दलित समाज के मेघवाल परिवार बाबूलाल जी के परिवार में बिंदोरी निकल रही थी। शादी उनके बच्चे की 27 तारीख की है। घर की बहन बेटियां और परिवार के लोग डीजे के साथ उल्लास मनाते हुए नाचते हुए चल रहे थे, तभी कुछ मेव समाज के लड़कों ने उस बिंदोरी को आकर बाधित किया और वहां पर काफी उत्पात मचाया। इस प्रकार की घटनाएं राजनीतिक संरक्षण के कारण आम है। प्रशासन ने जैसी त्वरित कार्रवाई की और रात को ही जिन लोगों ने इस प्रकार का काम किया, कुकृत्य किया, उनको अरेस्ट कर लिया। अभी भी हमें उम्मीद है कि प्रशासन किसी भी राजनीतिक दबाव में आए बिना इसके विरुद्ध मजबूत कार्रवाई करेगा। मेवात में दलित समाज के उत्पीड़न की घटनाएं लगातार एक श्रृंखला के रूप में जारी हैं और इसके पीछे पूरा राजनीतिक संरक्षण मेव प्रतिनिधियों का है, जो जनप्रतिनिधि हैं। मेवात में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है इस राजनीतिक संरक्षण के कारण। हम प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि बिना राजनीतिक दबाव के इस प्रकार के मामले में कठोर कार्रवाई करें, इनको दंड दिया जाए और इनको न्यायसम्मत कार्रवाई करते हुए सभी लोगों को जेल भेजा जाए, जिससे आगे के लिए ऐसे अपराधी तत्वों के हौसले पस्त हों और वो इस प्रकार के गंदे काम न करें। मैं चेतावनी देना चाहूंगा जो इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है और जो इनकी सामाजिक लीडरशिप है कि आप इस प्रकार के काम बंद कर दें। धकेलते धकेलते दलितों को और हिंदुओं को दीवार पर न चिपकाएं। हमारी मजबूरी हो जाएगी सामने से पलट के आपको जवाब देना। हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं भारत की और राजस्थान की व्यवस्था न्यायसम्मत तरीके से, कानून सम्मत तरीके से चले। आगे आप लोग ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बराबरी के जवाब देना हमारी भी मजबूरी हो जाएगी। धन्यवाद।